अब हम देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक निर्वाचक क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, क्लियर। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि उस निर्वाचक क्षेत्र में टोटल 1000 पर्सन है, उसमें से मेल कितने हैं? 55%। 1000 का 55% कितना होगा? 550। भाई एक निर्वाचक क्षेत्र में 1000 बंदे हैं, उसमें से मेल कितने हैं? 450। तो फीमेल कितनी होंगी? मेल है 550, फीमेल होंगी 450, क्लियर। अब देखो, यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, अगर 40% पुरुष निरक्षर हैं तो साक्षर पुरुष कितने होंगे? 60%। भाई अगर 40% पुरुष निरक्षर हैं तो साक्षर पुरुष कितने होंगे? 60%। तो 550 का 60% कितना होगा? 330। इसका मतलब 330 पुरुष साक्षर होंगे, ठीक है। अब 40% महिलाएं साक्षर हैं तो निरक्षर महिलाएं कितनी होंगी? अगर 40% महिलाएं साक्षर हैं तो निरक्षर होंगी 60%। 450 का 60% महिला होंगी निरक्षर, मतलब 270। वही हमारे पास टोटल मेल है 550, उसमें से 40% पुरुष निरक्षर हैं तो साक्षर कितने होंगे? 550 का 60%। हमारे पास टोटल फीमेल कितनी है? 450, इसमें से 40% महिलाएं साक्षर हैं तो निरक्षर कितनी होंगी? 60%। अब इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? ये बताओ, 270 से 330 कितना ज्यादा है? इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा है। 60 जाता है, अपॉन हमें कंपैरिजन किससे करना है? 270, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये कितना होगा? 2/9। 2/9 कितना होता है? 2/9 होता है 22, सही, 2/9%। यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। बस साक्षर और निरक्षर समझना और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। देखो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यदि ए बी से 28% अधिक है, हमारे पास ए होगा, बी होगा, सी होगा। ए बी से 28% अधिक है, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? बी से 28% अधिक, मतलब 128, क्लियर। और सी ए और बी के योग से 25% कम है। जो हमारे पास सी है वो ए और बी के योग से 25% कम है, इसका मतलब वो ए और बी के योग का 75% है। ए और बी का योग है कितना? 228। ए और बी का योग है 228। अगर वो 25% कम है, इसका मतलब वो इन दोनों के सम का 75% है। 57 तिया 171, इसका मतलब सी है हमारे पास 171। यदि ए बी से 28% अधिक है तो बेटा अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? 128। और सी ए और बी के योग से 25% कम है तो सी कितना होगा? इन दोनों के योग का 75%, क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब तुम ये बताओ, सी ए से कितना ज्यादा है? 43। और हमें कंपैरिजन किससे करना है? सी ए से हमें कंपैरिजन करना है ए से, ये होगा 128। अब आप देखो, ये इसके अप्रोक्स 1/3 होगा, मतलब 1/3 से कुछ ज्यादा आंसर होगा। 1/3 कितना होता है? 33.33%। इससे हमारा आंसर कुछ ज्यादा होगा तो ए ऑप्शन होगा हमारा आंसर। भाई 43 तिया 126,
तो 126 मतलब 1/3 से कुछ ज़्यादा आंसर होगा ना, तो बस ए ही ऑप्शन है जो कुछ ज़्यादा होगा, ए हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/5। राघव की अगर टोटल इनकम 500 रुपये है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 400। राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, अगर राघव की इनकम है 500, उसका एक्सपेंडिचर है 400, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? उसकी सेविंग होगी 100। ठीक है, उसकी इनकम को हमने 500, एक्सपेंडिचर को 400 मान लिया, तो उसकी सेविंग होगी 100। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी इनकम है कितनी? 500। उसकी आय को हमें 12% इंक्रीज करना है, अगर आप 500 को 12% इंक्रीज करोगे तो मतलब आपको 60 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसकी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? 560। ठीक है, और बचत में 10% की कमी होती है, पहले उसकी सेविंग कितनी थी? 100, अब 100 में 10% की कमी हो गई, 100 का 10% कितना होता है? 10। उसकी सेविंग में 10% की कमी हो गई तो उसकी सेविंग हो कितनी गई अब? 90। उसकी इनकम तो है 560, उसकी सेविंग है 90, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? भाई 470 होगा ना उसका एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, उसका एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 400, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 470, तो कितना इंक्रीज हुआ? 70, 70 इंक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम? 400 से। भाई हम 400 से ही तो देख रहे हैं, 400 से 470 ज़्यादा है या कम है, तो इसका मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम 400 से, तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर 70 रुपये इंक्रीज हुआ है अपॉन 400, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आप 70 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा? 17.5। इसका मतलब उसके एक्सपेंडिचर में 17.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर से देखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, सबसे पहले 80% की फ्रैक्शन देखो कितनी होगी, 80% की फ्रैक्शन होगी 4/5। हमने ये मान लिया कि राघव की टोटल इनकम 500 है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 400, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 100। अब यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, उसकी इनकम है कितनी? 500, 500 को 12% 60, उसकी इनकम हो जाएगी 560, और उसकी बचत में 10% की कमी हो गई, उसकी सेविंग पहले कितनी थी? 100, अब उसमें 10% की कमी हो गई, अब सेविंग कितनी हो गई? 90। तो हमारे पास अब एक्सपेंडिचर कितना होगा? 470। हमसे यही पूछा है कि पहले एक्सपेंडिचर 400 था, अब एक्सपेंडिचर 470 है, तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? एक्सपेंडिचर 70 इंक्रीज हुआ अपॉन 4000 × 100, मतलब 17.5% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। देखो, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 सही 1/3% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो ना उनको करो फ्रैक्शन से। देखो, 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5/6। अब आप ये देखो, अगर टोटल स्टूडेंट हमारे पास 600 हैं तो उसमें से लड़की कितनी है? 500। अगर टोटल स्टूडेंट 600 हैं तो लड़की कितनी है? 500, तो लड़के कितने होंगे? 100। भाई 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 5/6,
हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास 600 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 500 लड़की होंगी, तो लड़के कितने होंगे? 100। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में, यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, तो हमें ये बताना है कि कुल कितने लड़के अनुपस्थित हैं, कुल कितने छात्र अनुपस्थित हैं। तो आप ये बताओ भाई, 60% लड़के उपस्थित हैं, तो कितने परसेंट लड़के अनुपस्थित होंगे? 40%। लड़के हमारे पास हैं कितने? 100। 100 में से 40% मतलब 40 लड़के एबसेंट होंगे। लड़के 60% लड़के प्रेजेंट हैं, तो एबसेंट 40% होंगे ना। अब लड़कियों में देखो, 80% लड़की प्रेजेंट हैं, तो कितने परसेंट लड़की एबसेंट होंगी? 20%। भाई टोटल लड़की हैं 500, उसमें से 80% प्रेजेंट है, तो एबसेंट कितनी होंगी? 20%। 500 का 20% कितना होगा? 100। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट एबसेंट हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट एबसेंट हैं? 140 अपॉन टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 600। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको आप करो, ये हो जाएगा 70/3। 70/3 कितना होता है? 23। सही, 1/3%। देखो फिर से देख लो, बस इस क्वेश्चन में तुम्हें इतना करना था, और सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की यही है, 83 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, बस 5/6। तो हमने ऐसा मान लिया कि टोटल हमारे पास स्कूल में बच्चे हैं 600, उसमें से गर्ल्स कितनी है? 500। बॉयज़ कितने हैं? 100। अब 60% बॉयज़ प्रेजेंट है, तो एबसेंट कितने होंगे? 40%। 100 का 40% 40। 80% गर्ल्स प्रेजेंट हैं, तो एबसेंट कितनी होंगी? 20%। 500 का 20% 100। तो टोटल कितने बच्चे एबसेंट हैं? 140। और टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 600। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 70/3। 23 सही, 1/3% हमारा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन हम पिछली 3 क्लास से लगातार कर रहे हैं सीपीओ की, एक बार फिर से देख लो। यदि पेट्रोल की कीमत में 19% यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, मतलब पेट्रोल की कीमत होगी 100 से 119। ये क्वेश्चन हम लगातार 3 क्लास से कर रहे हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो गई, तो सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा करती है। सुनीता कितना इरादा कर रही है? केवल 12% ज्यादा खर्च करने का, मतलब 112। तो हमसे ये पूछा है कि उससे पेट्रोल की खरीद को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? 7 अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है? 119। 7/119 कितना होता है? 1/7। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब आप ये देखो, 100/7 कितना होगा? अप्रोक्स 6% होगा ना, हमें होगा अप्रोक्स 6%। तो ऑप्शन देखो कौन सा आंसर होगा, देखो एक ही ऑप्शन है बस, डी। हमारा आंसर होगा अप्रोक्स 6%। ये क्वेश्चन हम 3 क्लास से लगातार कर रहे हैं। देखो, बसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, बस 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर बसीर पहले 20 घंटे काम कर रहा था, तो अब कितने घंटे काम कर रहा है? 23 घंटे।
अगर वो पहले 20 घंटे काम कर रहा था तो अब कितने घंटे काम कर रहा है? 23 घंटे। और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता है। 20% मतलब अगर पहले उसका वेतन 5 था तो अब उसका वेतन कितना हो गया? 6। भाई बसीर का काम प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है। अगर वो पहले 20 घंटे काम कर रहा था तो अब 20 को हमने 15% मतलब 3, 20 का 15% 3, 3 बढ़ा दिया, अब वो 23 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, अब उसे पहले 1 घंटे के लिए 5 रुपये मिल रहे थे और अब उसे 1 घंटे के लिए 6 रुपये मिल रहे हैं, तो उसे पहले टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा? 100। अब उसे टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 138। तो हमसे यही पूछा है कि उसे कितने परसेंट पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं? 38/100। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अब उसकी दैनिक आय 38% बढ़ गई। बी ऑप्शन है आंसर। परसेंटेज में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आंसर खुद आ जाएगा अपने आप, बस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। देखो ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो तो बी की आय बताओ। देखो हम सब कुछ फ्रैक्शन से करेंगे। यह है ए, बी और सी, इनकी अपनी कुछ इनकम होंगी और इनकी जो भी इनकम होंगी ना उसमें ए और सी का डिफरेंस है 18,000 रुपये, क्वेश्चन में हमें गिवन है। और उनकी सेविंग का रेशियो कितना है? उनकी सेविंग का रेशियो है 8, 9 और 20। भाई ए बी सी की कुछ इनकम होंगी, उस इनकम में ए और सी की जो इनकम का डिफरेंस होगा ना वो होगा 18,000 रुपये। ठीक है, और उनकी सेविंग का रेशियो है 8, 9 और 20। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है। ए अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है तो बेटा बचा कितने परसेंट रहा होगा? 20%। अगर ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो कितने परसेंट बचा रहा है? 20%। अगर ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो वो 20% बचा रहा है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। इसका मतलब अगर ए की टोटल इनकम 5 है तो ए की सेविंग कितना होगी? 1। भाई ए अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है ना, अगर ए की टोटल इनकम 5 है तो वो सेव कितना कर रहा है? 1। क्लियर? एक की वैल्यू ऑप्शन में कितनी गिवन है? यहाँ कितनी गिवन है? ए। यदि अपनी यदि उनकी बचत का अनुपात 8, इसका मतलब ए अपनी इनकम का 8 बचा रहा है। एक की वैल्यू कितनी है? 8। तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 40। भाई एक की वैल्यू है 8 तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 40। अब हमें यहां से मिल गई ए की इनकम 40। क्लियर? अब देखो बी अपने इनकम का 85% खर्च कर रहा है तो बी सेव कितना कर रहा होगा ये बताओ। अगर वो 85% स्पेंड कर रहा है तो बी कितना सेव कर रहा होगा? 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20। अगर बी की टोटल इनकम 20 है तो बी की सेविंग कितना होगी? 3। भाई वो अपने इनकम का 15% सेव कर रहा है ना, अगर उसकी टोटल इनकम 20 है तो उसकी सेविंग कितना होगी? 3। अब उसकी वैल्यू, उसकी सेविंग की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 9। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 9। 1 की वैल्यू कितना होगी? 3। तो 20 की वैल्यू कितना होगी ये बताओ। 60।
20 की वैल्यू होगी 60, इसका मतलब हमें बी की इनकम भी मिल गई 60। अब हमें सिमिलर सी की इनकम फाइंड आउट करनी है। सी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, अगर सी 75% खर्च कर रहा है तो सी बचा कितने परसेंट रहा होगा ये बताओ। अगर सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो वो सेविंग कितना कर रहा होगा, 25%। 25% के फ्रैक्शन 1/4, क्लियर। अगर सी की टोटल इनकम 4 है तो सी की सेविंग कितना होगी, एक एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 20। एक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80। ये हमारे पास आ गई सी की इनकम। देखो इस क्वेश्चन का सबसे इजी मेथड यही है, इस क्वेश्चन को तुम ओरल भी करोगे, अगर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये ओरल हो जाएगा खुद। अब हमें इनके इनकम का रेशियो मिल गया, सेविंग का रेशियो मिल गया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब क्वेश्चन में गिवन है हमें ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। यहाँ पर ए और सी की आय में कितना अंतर है, 40। 40 का वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 18,000। 40 की वैल्यू 18,000, एक की वैल्यू 18,000/40। भाई क्वेश्चन में हमें गिवन है ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, क्लियर। ए और सी में डिफरेंस कितना है, 40 का, 40 की वैल्यू 18,000। हमें फाइंड आउट करनी है बी की इनकम, बी की इनकम है कितनी, 60, तो हमसे 60 की वैल्यू पूछी है। बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 27,000। बेटा तुम बस ये परसेंटेज के 40-50 क्वेश्चन कर लो जो तुम्हें करा रहा हूँ, बस तुम्हारी परसेंटेज इससे बाहर नहीं जाएगी, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन है परसेंटेज का, बस उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा। इसका आंसर है सी, 27,000। 40 की वैल्यू है 18,000, हमें फाइंड आउट करनी है 60 की वैल्यू, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 27,000 हमारा आंसर। अब देखो तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है ये बताओ। तेल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, इसका मतलब प्राइस हो गया 5 से 6। तेल का मूल्य 20% बढ़ गया तो प्राइस हो गया 5 से 6, और उसकी कंजप्शन 8 सही 1/3% कम हो गई। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/12। इसका मतलब पहले अगर हमारी कंजप्शन 12 थी तो अब कंजप्शन 1 कम हो गई, अब कंजप्शन कितनी हो गई, 11। भाई पहले प्राइस 5 रुपये था, कंजप्शन 12 थी, तो पहले हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 60। पहले प्राइस 5 था और कंजप्शन 12 थी तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 60। अब प्राइस हो गया 6 और कंजप्शन होगी 11, तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, 66। हमसे यही पूछा है कि पहले तो तुम 60 रुपये स्पेंड कर रहे थे, पहले तुम्हारा एक्सपेंडिचर था 60, अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर है 66, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तुम्हारा एक्सपेंडिचर 6 इंक्रीज हुआ अपॉन 60, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, पहले तुम्हारा एक्सपेंडिचर था 60, अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर है 66, 6 रुपये ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तुम अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, सी होगा हमारा आंसर। ये देखो क्वेश्चन को रीड करो, यदि क्वेश्चन में जो बोला जाएगा ना बस उसको करते चलो। यदि वाई के 1/4 के, यह हमारे पास वाई,
वाई के एक चौथाई, ये हो गया वाई का चौथाई, के 30%, इसका 30% कर दो। वाई के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुना, भाई ये वाई को हमने चौथाई कर दिया, उसका 30%, उसका 2.5 गुना बराबर एक्स के आधे, एक्स को आधा कर दो, के 25%, भैया 25% कर दो, के बराबर है वाई का चौथाई का 30% का 2.5 गुना एक्स के आधे के 25% के बराबर है। तो हमें ये बताना एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। सबसे पहले हमें एक्स और वाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। बस देखो इससे इसको उड़ा दो, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हट जाएगा इस 25 से, ये 100 इस 100 से, और ये वाला 10 यहाँ पर, हमारे पास ये बचेगा ना। अब देखो इस 2 से आप यहाँ पर डिवाइड करो, हमारे पास कितना बचेगा 3y बराबर 2x। यहाँ से हमारे पास y और x का रेशियो आ जाएगा 2 और 3, इसका मतलब x है हमारे पास 3, इसका मतलब x है हमारे पास 3 और y है हमारे पास 2। क्लियर, हमने कुछ नहीं करा, y के एक चौथाई मतलब y/4 का 30% गुना 30/100 का 2.5 गुना गुना 2.5 इज इक्वल टू एक्स के आधे मतलब x/2 के 25% गुना 25%, ये दोनों बराबर हैं, बस इन दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। एक्स वाई से हमें कंपैरिजन किससे करना, वाई से, तो एक्स वाई से कितना ज़्यादा है, एक एक्स एक ज़्यादा है ना वाई से, तो 1/2 कंपैरिजन करना हमें वाई से, 1/2 कितना होता है 50%। इसका मतलब एक्स वाई से 50% ज्यादा है, देखो देखो एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी को कुल कितने अंक मिले। देखो इस क्वेश्चन को 99% बच्चे करेंगे, ए बी सी डी का रेशियो फाइंड आउट करोगे, उसके बाद इनका डिफरेंस निकालोगे, पूरी ड्रामेबाजी चलेगी, उसके बाद आंसर आएगा। एक छोटा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं बी की जरूरत है, खुद देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं बी की जरूरत है नहीं, तो फिर हम बी को लेंगे क्यों भाई। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें बी की तो कहीं पे जरूरत है ही नहीं, तो हम बी को लेंगे क्यों। हम बस तीन ही वेरिएबल लेंगे अपने, ए बी और सी। अब देखो ओरल हो जाएगा क्वेश्चन, देखो बी ने सी से 20% अधिक, अगर हमने सी को 100 दिए, अगर सी को 100 नंबर मिले तो बी को सी से 20% ज्यादा, तो बी को कितने मिले होंगे 120। ये वाली लाइन पढ़ो, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, अगर सी को 20 मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे इससे 20% ज्यादा, अगर सी को 100 मिले हैं तो बी के कितने मिले होंगे 120। देखो ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की, एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उस चीज को हम लेंगे भी नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डी की कोई जरूरत नहीं है, तुम डी को क्यों लेंगे फिर भाई। सी को सी से 20% ज्यादा बी को मिल गए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, बी ने ए से 10% अधिक, अब बी को ए से 10% अधिक, ए ने बी से 10% अधिक, ए को बी से 10% ज्यादा, इसका मतलब ए को कितने मिले होंगे 132। अगर सी को 100 मिले हैं तो
तो बी को सी से 20% ज़्यादा, बी को मिले हैं 120। अगर बी को 120 मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे, बी से 10% ज़्यादा, 132। बस ए और सी, ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा मिले, ए और सी का डिफरेंस कितना है, 32। 32 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 272। एक की वैल्यू कितना होगी, देखो 272 को तुम ऐसे लिख लो, 16 × 17 अपॉन 32। एक की वैल्यू हो गई 272/32। और हमें फाइंड आउट करने हैं बी के अंक, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 120 की, तो बस 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 6 = 102, 1020 होगा हमारा आंसर। देखो जितने भी ये बड़े बड़े टेबल है ना, 272, इन्हें तो मैंने छोटे छोटे टेबल में ब्रेक कर लो। जैसे हमें पता 16 × 17 होता है 272, यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बस हमारे 32 की वैल्यू गिवन है हमें 272, एक की वैल्यू आ जाएगी 272/32। हमें फाइंड आउट करने हैं बी के कुल अंक, इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 120 की, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1020। अब देखो ये क्वेश्चन भी अभी प्रीवियस में भी रिपीट हुआ था इन्हीं क्वेश्चन के अंदर, वो पहली दो कल क्लासों में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मोनिका ने अपनी आय का 72% खर्च कर दिया, हमें क्या करना है, 72% के फ्रैक्शन देखो कितनी होगी, 72% के फ्रैक्शन होगी 18/25। अगर मोनिका की टोटल इनकम 250 है तो मोनिका का एक्सपेंडिचर कितना है, 180, तो मोनिका की सेविंग कितनी होगी, 70। अगर क्वेश्चन पढ़ो, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, 72% के फ्रैक्शन 18/25, हमने मान लिया मोनिका की टोटल इनकम है 250 और एक्सपेंडिचर है 180, तो सेविंग कितनी होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, सेविंग होगी 70। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, देखो अर्थमेटिक के अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा बस उसी को फॉलो करते रहो। अब हमसे बोला है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी इनकम में बस 20% की वृद्धि कर दो, 20% कितना होगा, 50। अगर उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी इनकम कितना हो जाएगी, 300। ये लाइन क्लियर हो गई। अब देखो सेकंड लाइन, उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, उसकी जो भी सेविंग है उसमें 15% की वृद्धि कर दो। अब 70 का 15% कितना होगा, 15 × 7 = 105, 10.5, उसकी सेविंग में कर दो 10.5 की वृद्धि, तो उसकी सेविंग कितना हो जाएगी, 80.5। यही तो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, उसकी इनकम में हमने 20% की वृद्धि कर दी, उसकी इनकम पहले 250 थी अब उसमें 20% की वृद्धि कर दी, इनकम हो गई 300 और उसकी बचत में 15% की वृद्धि कर दी, उसकी सेविंग पहले थी 70 उसमें 15% की वृद्धि कर दी, 70 का 15% कितना होगा, 10.5, 70 में 10.5 की वृद्धि करी हमने, हो गया 80.5। अगर आप इनकम में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना भाई, अगर आप इनकम में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 219.5। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसका एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 180, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 219.5। तो हमसे यही पूछा है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसके एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, ये बताओ।
भाई पहले उसका एक्सपेंडिचर था 180, अब उसका एक्सपेंडिचर है 219.5। उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 39.5। अब हमसे यही पूछा है कि 39.5 कितने परसेंट है, तो इसका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था? 180, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 18 से डिवाइड करोगे तो 360, और अपने पास 21, तो ये आंसर होगा हमारा 21-22 के अप्रोक्स। तो ए की ऑप्शन है 21.9। बात समझ गए? इन क्वेश्चन को इस तरह से करना है, बस जहां भी परसेंटेज हो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो बस, और परसेंटेज में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की पीडीएफ सीपीओ के ग्रुप में मिल जाएगी। इन्हीं क्वेश्चन की 3-4 बार प्रैक्टिस करो, एग्जाम में 100% परसेंटेज के इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। ओके, चलो फिर, बाय बाय, थैंक यू।